दोस्तों, अगर आप भी ट्रिपल सी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको मिलेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए नए नए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं है अभय शर कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता। दोस्तों, आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सबसे वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका, फेसबुक चलाने की उम्र कितनी होती है? ये सभी क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अब यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है फेसबुक की। फेसबुक को यूज़ करने के लिए जो एक एज डिसाइड की गई है वो है आपकी 13 ईयर। अगर 13 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा फेसबुक का उपयोग कर रहा है तो कृपया आप उसे मना करें और इसके लिए आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर फेसबुक की बात हो रही है तो फेसबुक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों फेसबुक से संबंधित कि फेसबुक के फाउंडर कौन हैं। तो फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि फेसबुक पेज पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं। अब यहाँ बात हो रही है मल्टी एडमिन की। आप में से बहुत सारे लोग फेसबुक का उपयोग करते हैं, बहुत सारे लोगों का अपना एक फेसबुक पेज होगा, जैसे हमारा फेसबुक पेज है अभय शर कंप्यूटर। तो मल्टी एडमिन का मतलब होता है दोस्तों एक से अधिक एडमिन। तो फेसबुक पर अगर आप चाहते हैं अपने पेज पर किसी और को भी एडमिन बनाना तो आप बना सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में आप बनाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस फेसबुक से संबंधित हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम टाइम पर रिविजन करने में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा कहाँ भेजना है इसके लिए किस बस का प्रयोग करते हैं? जैसे आपको कहाँ जाना है, जाने के लिए आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए, वैसे ही डाटा कहाँ भेजना है उसके लिए भी हमें एक एड्रेस की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं एड्रेस बस का। एड्रेस बस को हम एड्रेस बता देते हैं और वो एड्रेस पर पहुंचा देती है। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 2.15,1 एक सेल में एंटर किया गया है तो यह क्या परिणाम देगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है राउंड फार्मूले के बारे में, तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम राउंड फार्मूले के बारे में समझाते हैं। दोस्तों, कैल्क आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आपके सामने कैल्क ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम यूज करें इक्वल, कोई भी फार्मूला है बिना इक्वल के आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी फार्मूले की शुरुआत किस साइन के द्वारा होती है, तो किस साइन के द्वारा होता है? इक्वल साइन के द्वारा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं राउंड। ठीक है, राउंड लिखने के बाद आपको यूज करना है ब्रैकेट। बिना ब्रैकेट के भी फार्मूले का उपयोग आप करेंगे तो कभी कभी बहुत सारी मिस्टेक्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अब वैल्यू थी हमारी 2.15,1, है ना, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 2.2। अब कैसे हुआ थोड़ा ये समझिएगा। दोस्तों, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सार्थक अंक, तो राउंड फार्मूला आपका सार्थक अंक पर ही कार्य करता है। जैसे कॉमा के बाद में यहाँ पर वन है तो ये देखता है दशमलव के बाद दूसरी संख्या को, मीन्स कॉमा के बाद वन है तो दूसरी संख्या, अगर टू है तो तीसरी संख्या को देखेगा, थ्री है तो चौथी संख्या को देखेगा, जीरो है तो पहली संख्या को देखेगा। अब यहाँ पर वन है तो दूसरी संख्या कौन सी हमारी? 5। और सार्थक अंक ये कहता है कि अगर कोई वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो अपने से आगे वाले में एक ऐड हो जाता है। तो अब यहाँ पर 5 है
मीन्स यहाँ पर सार्थक अंक काम करेगा तो एक इसके पहले की संख्या है तो एक में एक ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर जीरो रख दें तो अभी किसको देखेगा, पहले अंक को देखेगा। पहला अंक क्या है, वन है, तो वन क्या है, पांच से छोटा है, इसीलिए क्या होगा, ये आपका ऐड नहीं होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो टू हो जाएगा, क्योंकि टू में कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो वही रहेगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको राउंड फार्मूले का उपयोग हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, 2.2। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर और इम्प्रेस, इन तीनों में अपना एक डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। या आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो सभी का अपना एक डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो ऐसे ही लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है वो है आपका पोर्ट्रेट। दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है लैंडस्केप और दूसरा होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में क्या होता है, पेज की जो लंबाई है, पेज की जो हाइट है वो ज़्यादा होती है, और लैंडस्केप में क्या होता है, पेज की जो विड्थ है वो आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PMJDY के अंतर्गत कौन लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं। PMJDY इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। हालांकि अभी ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कौन से लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, केवल 10 वर्ष से ऊपर के लोग, केवल महिलाएं आयु के लोग, केवल घर का मुखिया, या फिर सभी। दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना सभी के लिए है, चाहे वो 10 वर्ष से ऊपर हो, चाहे वो महिला हो या घर की मुखिया हो। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस लाइन स्पेसिंग कमांड को किस मेनू से एक्सेस किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब है कि लिब्रे ऑफिस में लाइन स्पेसिंग कमांड का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग का मतलब हो गया कि दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है वही हमारी कहलाती है लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ सभी मेनूज के बारे में। तो फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू, इंसर्ट एंड फॉर्मेट। तो टेक्स्ट की जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वो फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत मिल जाती है। जहां पर आप देखें तो टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है और सेकेंड नंबर पर ही स्पेसिंग का ऑप्शन दिया गया है। पहले हम टेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बोल्ड के लिए शॉर्टकट की इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल्ड के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम उपयोग करते हैं अपनी पुरानी शॉर्टकट की Ctrl+B, ऐसे ही इटैलिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U, डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+G। सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CCC एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+P, और सब स्क्रिप्ट की होती है Ctrl+Shift+V। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही लिब्रे ऑफिस में अगर आप साइज को बढ़ाना चाहते हैं, मीन्स टेक्स्ट की साइज को बढ़ाने और घटाने की शॉर्टकट की क्या है। CCC एग्जाम में ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेक्स्ट की साइज को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो Ctrl+Close का उपयोग करते हैं साइज को इंक्रीज करने, मतलब बढ़ाने के लिए, और साइज को कम करना है तो Ctrl+Open का उपयोग करते हैं। ऐसे यहाँ पर दिया गया है साइकिल केस, तो साइकिल केस के लिए हम Shift+F3 का उपयोग करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए Shift+F3। अब यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो स्पेसिंग का ऑप्शन हमसे पूछा गया था कि किस मेनू के द्वारा हम स्पेसिंग को एक्सेस कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट के अंतर्गत आपको लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर लाइन स्पेसिंग 1, लाइन स्पेसिंग 1.5,
है ना, लाइन स्पेसिंग टू, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम जूम हटा देते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट फॉर्मेट। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को हम जानते हैं इम्प्रेस के नाम से, और इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है .odp। क्या होता है .odp। अब ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क इन दोनों का भी पूछा जाता है कि डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर, राइटर का पूछता है तो राइट आंसर क्या होगा .odt, नोट कर लीजिएगा, राइटर का .odt, और कैल्क का होता है .ods। ठीक है, .ods कैल्क का, .odt राइटर का, और .odp इम्प्रेस का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, एकाधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ प्रोसेसिंग है, मीन्स किसी प्रोग्राम या दो से अधिक प्रोग्रामों को एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा प्रोसेसिंग की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं बताइए। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा की गई प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा की गई प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। अब नेक्स्ट, कंट्रोल एच का प्रयोग पावर पॉइंट में किसी टॉपिक संबंधी सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एच का क्या उपयोग है आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, और पावर पॉइंट हो, इम्प्रेस हो, कैल्क हो, लगभग हर जगह कंट्रोल प्लस एच का उपयोग वही है। तो आप सभी जानते हैं कि सहायता प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं और कंट्रोल प्लस एच का क्या उपयोग है। तो यहाँ पर ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स के काफी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं। कंट्रोल प्लस एच का उपयोग होता है रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, रिप्लेस के लिए हम कंट्रोल प्लस एच का उपयोग करते हैं, वहीं सहायता प्राप्त करने के लिए हम F1 शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको हमारे ब्लॉग www.abhaiexcelcomputer.blogspot.com पर अवेलेबल मिल जाएंगे, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन सभी क्वेश्चंस को पर डे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पर डे PDF मिल जाएगी, इसकी लिंक भी मैंने नीचे दे रखी है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए और फ्री में स्टडी मटेरियल प्राप्त करते रहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है बताइए। दोस्तों आप सभी के पास आधार कार्ड होगा, तो बताइए आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट UIDAI। ठीक है, अब नेक्स्ट, HTTP किस स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस का उपयोग करता है बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये करता है उपयोग पोर्ट नंबर 80 का। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी 80। ठीक है, अब नेक्स्ट, डेटा के 8 बिट को क्या कहते हैं, मीन्स डेटा के 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, या 8 बिट मिलकर क्या बनता है बताइए। मेमोरी मैंने आपको पढ़ाया है, ट्रिपल सी के चैप्टर्स आप जरूर कंप्लीट करिए, फर्स्ट चैप्टर में पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका हूँ, जहाँ पर लास्ट टॉपिक हमारा सॉफ्टवेयर का बचा हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि 3 दिन आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊं और 3 दिन आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइड कराऊं। अगर आप सभी लोग ये चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसी अकॉर्डिंग हम क्लासेस रखेंगे। तो डेटा के 8 बिट को हम कहते हैं 1 byte। ठीक है, अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में वाइट बैकग्राउंड के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। इम्प्रेस में अगर कोई स्लाइड शो चल रहा है और स्लाइड शो के दौरान आप चाहते हैं कि आपकी पूरी स्क्रीन जो है वो वाइट कलर की हो जाए,
तो इसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर जो शॉर्टकट की लिखी गई हैं ये सारी शॉर्टकट की आपकी सिंगल है, मीन्स इनके साथ में ना ही कंट्रोल, ना ही शिफ्ट, ना ही आल्ट का उपयोग किया जाता है। तो बताइए, देखिए डब्ल्यू फॉर होता है वाइट, तो राइट आंसर क्या होगा, वाइट मीन्स डब्ल्यू ही होगा। अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड चाहते हैं तो डब्ल्यू का उपयोग करेंगे, अगर आप चाहते हैं ब्लैक बैकग्राउंड तो उसके लिए हम बी का उपयोग करते हैं। अगर स्लाइड शो के दौरान हम डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं तो हमारा स्लाइड शो रुक जाता है और पूरी स्क्रीन हमारी व्हाइट हो जाती है। वैसे ही अगर हम बी प्रेस करते हैं तो पूरी स्क्रीन हमारी ब्लैक हो जाती है और स्लाइड शो रुक जाता है। स्लाइड शो के दौरान अगर हमें पिछली वाली स्लाइड पर जाना है तो अगर पिछली वाली स्लाइड पर जाना है तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं एन का, सॉरी पी का, पी से प्रीवियस पे, और ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है तो उसके लिए हम एन का उपयोग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई आई एन में कितने डिजिट होते हैं बताइए। आई आई एन कोडिंग में कितने डिजिट होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 डिजिट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो के नीचे मैंने ट्रिपल सी एग्जाम से संबंधित 2000 प्रश्नों की एक पीडीएफ दी है, वहां से आप उसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम टॉप करना चाहते हैं तो वह आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि वहां पर ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार पूछे आने वाले प्रश्नों का कलेक्शन भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की, यूनिक्स लाइनक्स की कमांड और नए नए महत्वपूर्ण प्रश्न को भी वहां पर दिया गया है। इसीलिए आप सभी उसे जरूर डाउनलोड कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में हैज नेम एरर का क्या मतलब है, मीन्स कैल्क का उपयोग कर रहे हैं और अगर वहां पर हैज नेम क्वेश्चन मार्क आता है तो यह किस एरर को दर्शाता है, मीन्स आप कौन सी गलती करेंगे तो यहां पर यह सिंबल आपका बन के आएगा। तो कैल्क में जब आप फार्मूले का उपयोग करते हैं और फार्मूले में आप कोई गलती करते हैं तो वहां पर ये आपका प्रतीक आ जाता है, ये प्रेजेंट करता है आपके फार्मूला एरर। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल सेलिंग 120,11 का मान कितना होगा, 121, 120, 130 एंड 122। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ईमेल एड्रेस में कौन सा सिंबल यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करती है, मीन्स ईमेल एड्रेस में कौन सा सिंबल यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम करता है। ऑप्शंस हैं एंड, एट द रेट, परसेंटेज या फिर ये। तो इन दोनों क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए ताकि आपका नाम मेरी वीडियो में टॉप पे आए। तो इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जहां पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित नए नए वीडियोस आपको पर डे मिलते रहते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ताकि आपके सुझाव के अकॉर्डिंग मैं अपनी क्लासेस ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहूं। आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है नए नए वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।